नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पाप की नगरी नॉवल का पार्ट 11। इसके बाकी के 10 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पाप की नगरी नॉवल का पार्ट 11। कुल जमा कितने आदमी दरकार होंगे? भट्टी बोला, 7, जिनमें से एक तिजोरी तोड़ और एक बोटमैन होना जरूरी है। तिजोरी तोड़ किस लिए? तिजोरी तोड़ने के लिए, और किस लिए? तुम क्या समझते हो कि वहां बादशाह का माल यूं ही इधर उधर खुले में बिखरा पड़ा रहता होगा? माल तिजोरी में बंद होगा? जाहिर है। तिजोरी कैसी है? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? वही जो कहा, मुझे नहीं मालूम। तिजोरी नीचे कैसीनो में तो थी नहीं, कैशियर के पिंजरे में चलता हुआ माल रखने के लिए एक तिजोरी थी, लेकिन उसे तिजोरी की जगह स्टील की अलमारी कहना ही उचित होगा। चलता हुआ माल में क्या रखा होगा? वो तो चिड़िया की बीट होगी। बिल्कुल, लेकिन मोटा माल रखने के लिए कोई तिजोरी, जो कि छोटा मोटा वॉल्ट भी हो सकता है, वहां अगर कहीं होगी तो कैसीनो के ऊपर की मंजिल पर होगी। ऊपर जाना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन ऊपर जाने का अत्यंत गुप्त रास्ता मैंने तलाश कर लिया था। ये देखो, विमल ने उन्हें वैभवी द्वारा खींची गुप्त रास्ते की तस्वीरें दिखाई। मुझे तो कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा, इरफान अली बोला। मुझे तो ये वॉलपेपर मड़ी सपाट दीवार ही लग रही है। यहां, विमल ने तस्वीर के एक स्थान पर उंगली रखी। बेसबोर्ड में जो पतली सी लकीर जैसी झीरी दिखाई दे रही है, वही यहाँ दरवाजा होने की चुगली कर रहा है। ओह, दरवाजे की बनावट ये भी साफ जाहिर करती है कि इसे कैसीनो की तरफ से खोलने का कोई तरीका नहीं है, और भीतर की तरफ से भी ये दरवाजा यकीनन किसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के जरिए ही खुलता होगा। फिर हम इसे खोलेंगे कैसे? वागले बोला। हम तो बाहर की तरफ होंगे। दरवाजा भीतर की तरफ से ही खोला जाएगा। हम बाहर कैसीनो में ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि बादशाह को या उसके किसी जोड़ीदार को ये देखने के लिए वहां आना पड़ेगा कि वहां क्या हो गया था। मुझे तो खुद बादशाह के ही आने की उम्मीद है। उसकी बादशाह लूटी जा रही हो और वो हालात से वाकिफ होने की कोशिश ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। बात तिजोरी की हो रही थी, भट्टी बोला। तिजोरी तोड़ की हो रही थी, विमल बोला। हमें किसी ऐसे तिजोरी तोड़ की सेवाओं की जरूरत है जो कैसी भी तिजोरी या वॉल्ट खोल लेने में माहिर हो। ऐसा एक आदमी है तो मेरी निगाह में। कौन है वो? उसका नाम डैनियल है, मेरा पुराना वाकिफकार है। बंबई में उसे शातिर तिजोरी तोड़ मिलना मुश्किल है। तुम उसे हमारे काम के लिए तैयार कर सकते हो? हाँ। गुड। और बोटमैन? उसका क्या है, वो तो कोई भी। विमल पहले ही इनकार में सिर हिलाने लगा। क्या हुआ? भट्टी बोला। ये ऐसा काम नहीं जहाँ कोई भी बोटमैन चल सकता हो। इस अभियान में बोटमैन की वही हैसियत और इम्पोर्टेंस है जो कि एक डकैती में गेटअवे कार चलाने वाले ड्राइवर की होती है। जैसे कार चलाने से ही कोई डकैती की गेटअवे कार चलाने के योग्य ड्राइवर नहीं बन जाता, वैसे ही सिर्फ स्टीमर हांकना जानने वाला कोई हमारे लिए मुफीद बोटमैन साबित नहीं हो सकता। बात तो मैं तुम्हारी समझ गया, लेकिन ऐसा बोटमैन ढूंढ निकालना तो कोई आसान काम ना होगा। अभी और सुनो। और क्या? मैंने 7 आदमियों की जरूरत ये सोचकर बताई थी कि बोटमैन मोटरबोट चलाने के अलावा कुछ नहीं करेगा, और तिजोरी तोड़ने के अलावा और किसी काबिल नहीं होगा। अगर बोटमैन और तिजोरी तोड़ हमें ऐसे मिल सके जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ भी सकते हो, तो ये काम 5 आदमी भी कर सकते हैं, यानी कि 3 तुम और 2 तिजोरी तोड़ और बोटमैन। हाँ, डैनियल तो है ऐसा जांबाज, अब बोटमैन जो मिलेगा वो पता नहीं कैसा होगा। बोटमैन भी हमारे मतलब का ढूंढ पाओ तो मजा आ जाए। वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। क्या? कुछ नहीं, मैं तलाश करूंगा तुम्हारी पसंद का बोटमैन। जितनी जल्दी तलाश करोगे उतनी जल्दी ये काम होगा। मैं जल्दी ही तलाश करूंगा। गुड। उनकी फीस का क्या होगा? किनकी फीस का क्या होगा? बोटमैन और तिजोरी तोड़ की फीस का। भट्टी, विमल सख्ती से बोला, परसों रात को तुम्हारे ग्रांट रोड वाले ठिए पर जब इस बाबत मेरी कालिया से बात हो रही थी, लगता है उस वक्त तू ऊंग रहा था या सो ही गया था। क्या ये तय नहीं हुआ था कि इस काम के लिए आदमी मैं भर्ती करूंगा, 10 लाख रुपए तक उनकी फीस कालिया भरेगा? तय तो हुआ था। तो फिर क्यों पूछता है कि बोटमैन और तिजोरी तोड़ की फीस कौन देगा? ठीक है, नहीं पूछता।
और इस बात की भी खास ख्याल तूने ही रखना है कि दोनों शख्स ऐसे ना हो जो टापू पर पहचान लिए जा सकते हो। ये भी कोई कहने की बात है? कहने की बात है। तू तो यार कालिया से भी सख्त हाकिम है। विमल चुप रहा और भट्टी बोला। विमल मेज पर फैले कागजों में से एक कोरा कागज अपनी तरफ घसीटा, उस पर कुछ शब्द घसीटे और कागज भट्टी को थमा दिया। ये क्या है? भट्टी बोला। हिंदी के चार अक्षर भी नहीं पढ़ सकता? विमल बोला। नीरा अनपढ़ है, हिंदी क्यों नहीं पढ़ सकता? तो पढ़। चार रिवॉल्वर, 100 कारतूस, 2 मशीन गन, 5 स्पेयर मैगजीन, 6 हैंड ग्रेनेड, 6 धुएं के बम, 3 सेट टापू के सिक्योरिटी स्टाफ जैसी नीली वर्दियां जो कि तुझे तिजोरी तोड़ को और बोटमैन को फिटा सके। उसने कागज पर से सिर उठाया। सब इंतजाम हो जाएगा। गुड, विमल बोला। एक बात और। वो भी बोल बाप। मेरे ये दोनों साथी कुछ दिन यही रहना चाहते हैं, यहाँ इस फ्लैट में। हाँ, भट्टी के चेहरे पर चिंता के भाव आए। वो क्वेश्चन खामोश रहा और फिर बोला, ये हमारा बहुत सेफ ठिया है, इसकी सेफ्टी पर कोई हर्फ आए ये कार्या को मंजूर नहीं होगा। इसका जवाब मैं तुम्हें फिर दूंगा। फिर कब? रात तक। कालिया से मशवरा करके? कुछ भी समझ लो। वो अभी भी दुबई में है? हाँ। पक्की बात? इसमें भट्टी झुंझलाया, कच्ची पक्की वाली कौन सी बात हो गई? कोई नहीं, मैं चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। एक मिनट रुक। अब क्या है? मेरी शक्ल देख। क्यों? बाकी लोग भी मेरी शक्ल देखो और ये बताओ मेरे मेकअप में क्या कमी है। क्या मतलब? भट्टी बोला। मेरा मेकअप 2 बार पहचान लिया गया। विमल बोला, शुक्रवार रात अपने ग्रांट रोड वाले फ्लैट में तूने पहचान लिया, कल रात टापू पर वहां के सिक्योरिटी वालों ने पहचान लिया। कल रात भी? भट्टी नेत्र फैलाकर बोला। हाँ। पकड़ा नहीं गया? पकड़ा गया। तो छूटा कैसे? विमल ने बताया। खुशकिस्मत है भाई तू। मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे मेकअप में क्या नुक्स है, ये मेरे लिए फिक्र की बात है। भट्टी तू बता, तूने कैसे पहचाना? मुझे दाढ़ी पर शक हुआ था। शक की वजह? करीब से देखने पर साफ पता चलता है कि बाल नायलॉन के हैं। बस रबड़ की झिल्ली जो चेहरे पर दाढ़ी को चिपकाती है, उसका किनारा बालों से बाहर दिखाई देता है। यही बात मूछ में है। कॉन्टेक्ट लेंस की बाबत मैंने अंदाजा लगाया था, यूं समझ लो कि बंडल मारा था। इसका कोई इलाज, कोई उपाय? इलाज दाढ़ी का ही ज्यादा जरूरी है। मूछ तो 4-6 दिन में उग जाती है, लेकिन जैसी तू दाढ़ी लगाए है वो तो महीनों में उगती है। दाढ़ी का कोई इलाज? दाढ़ी किसी खास कारीगर से असली बाल की बनवानी पड़ेगी। उसमें यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि रबड़ की झिल्ली बालों के भीतर रहे, बाहर ना झाके, चेहरे पर दाढ़ी के किनारे किनारे एक लकीर खींची ना दिखाई दे। ऐसा कोई कारीगर है तेरी निगाह में? है, तभी तो इतना कुछ बोला। मुझे दाढ़ी बनवा के दे। ठीक है, बनवा के देता हूँ। ऐसी बनवा के देता हूँ कि याद करेगा, उसे लगाए लगाए नहा धो भी लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया, वैसे ऐसी चीजों से परहेज ही करे तो अच्छा है। मेकअप वक्ती इस्तेमाल के लिए ही ठीक होता है, ये सदा चलने वाली आइटम नहीं। आम आदमी नहीं पहचानेगा तो एक्सपर्ट पहचान लेगा। मैं सोचूंगा इस बाबत। तो कब होगा ये काम? कल ही हो जाएगा। गुड, लेकिन उसके लिए थैंक्स अलग से बोलना पड़ेगा। विमल हंसा, भट्टी भी हंसा और फिर उठ खड़ा हुआ। तभी वैभवी वापस लौटी। वो 2 बड़े बड़े झोले उठाए हुए थी और उस घड़ी उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। इरफान ने फिर ललचाई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बिना किसी व्यक्ति विशेष की ओर निगाह डाले वैभवी एक बार बड़े चित्ताकर्षक ढंग से हंसी और फिर किचन की ओर बढ़ चली। इरफान यूं बाग बाग हुआ जैसे वो खास उसके लिए हंसी हो। भट्टी अपलक इरफान को देखता रहा। वैभवी दृष्टि से ओझल हो गई तो वो धीरे से बोला, पसंद है? क्या बोला? इरफान हड़बड़ाया। बोला पसंद है। भट्टी बोला, किसे बोला? तेरे को बोला, और किसे बोला? मेरे को क्यों बोला? क्योंकि उसे देखकर तेरी ही तो लार घुटनों तक टपक रही है। झूठ, इरफान हकबकाकर बोला। गलत, वो तो सैर करेगा इसके साथ। सैर? बढ़िया होटल की, सब खर्चा पानी मेरा। जवाब में जो शब्द इरफान के मुंह से निकला उसने नियत की साफ साफ चुगली कर दी। कब? वो व्यग्र भाव से बोला। कहे तो आज ही रात को, लेकिन ये हुलिया सुधारना होगा। शानदार जगह पर इतनी शानदार औरत के साथ इस हुलिये में जाएगा तो लोग बोलेंगे सेब पर मक्खी बैठी है। क्या किस्सा है? विमल उलझनपूर्ण भाव से बोला।
मेरा एक काम है, भट्टी बोला। तुम्हारे आदमी की सैर हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। क्या काम है? भट्टी ने बताया। चैप्टर 5। मुझे फिक्र हो रही है, बाबू कामले बोला। वो डिब्बे के पिज्जा पार्लर के करीब खड़ी एक काली एम्बेसडर पे अपने चार प्यादों के साथ बैठा हुआ था। कैसी फिक्र? एक प्यादा बोला। ट्रांसमीटर का सिग्नल लगातार एक ही जगह से आ रहा है, सुबह से शाम हो गई, अभी तक सोयला है साला हलकट। कोई कुछ ना बोला। साली मेरे को गारंटी होना मांगता है कि वो भीतर है। बाप, जब सिग्नल आयला है तो? फिर भी गारंटी होना मांगता है। हम पार्लर के पीछू डिब्बे के घर में जाएंगे तो वागले को शक नहीं हो जाएगा? बाबू कामले खामोश रहा। उसके चेहरे पर चिंता और सोच के भाव गहन हो गए। घड़िया उतारो, फिर वो एकाएक गुर्राया। क्या? अंगूठियां भी, किसी के गले में चेन हो तो वो भी। एक मिनट में 5 घड़िया, 4 अंगूठियां और 2 चेनों की एक रूमाल में एक पोटली बन गई। फ्रेडो, बाबू कामले बोला, पोटली संभाल और डिब्बे के पास पहुंच। माल खरीदने के वास्ते वो तेरे को पीछे के कमरे में लेके जाएगा, तब तेरे को ये बात पक्की करना मांगता है कि वागले भीतर है। बाप, फ्रेडो बोला, जब सिग्नल। चौप, मेरे को डिब्बे को ये सब चोरी का माल बताने का है? हाँ, और बेच के आने का है? बेच के नहीं आने का साले, सिर्फ पेश करने का है। बिना बेचे ये कह के वापिस आना है कि तेरे को भाव नहीं जचा, तू दूसरे फैंस के पास जाएगा। क्या? मैं समझ गया। फुट। फ्रेडो कार में से निकलकर पिज्जा पार्लर में घुसा, लेकिन उल्टे पांव ही वापस लौट आया। क्या हुआ? बाबू कामले भुनभुनाया। डिब्बा 11 बजे आने को बोला, फ्रेडो बोला। क्यों? यही टाइम है उसका एसिच काम करने का। ओह ठीक है, 11 बजे चलो फिर, चारों बाजू संभालो। चारों प्यादे कार से निकलकर पिज्जा पार्लर के इर्द गिर्द फैल गए। ये इमारत है, इरफान बोला। विमल ने उस खस्ताहाल 3 मंजिली इमारत पर निगाह डाली। वो इमारत कमाटीपुरे के बदनाम इलाके में थी। उस वक्त शाम के 7:30 बजे थे और बकौल इरफान तब मधुकर झेंडे की उस इमारत की 3री मंजिल के एक फ्लैट में होने की उम्मीद थी। फिर वो इरफान और वागले आगे पीछे सीढ़ियां चढ़ते 3री मंजिल पर पहुंचे। वहां इरफान ने एक बंद दरवाजे की तरफ संकेत किया। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। उसने चारों तरफ निगाह डाली। सीढ़ियों के पास उसे एक ड्रम पड़ा दिखाई दिया जिसमें ढेर सारे कागज और कूड़ा कचरा भरा पड़ा था। उसके इशारे पर इरफान ड्रम को बंद दरवाजे के पहलू तक घसीट लाया। विमल ने अपनी जेब से अपना सिगरेट लाइटर निकालकर उसकी लिक्विड गैस थोड़ी सी ड्रम पर छिड़क दी और लाइटर इरफान को थमा दिया। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? भीतर से एक जनाना आवाज ने पूछा। दरवाजा खोलो, विमल जोर से दरवाजा भड़बड़ाता हुआ बोला। साथ ही उसने इरफान को संकेत किया। अरे कौन हो तुम? इरफान ने ड्रम को लाइटर की लपट दिखा दी। ड्रम में आग का शोला सा लपका। भाई, विमल बोला, इमारत में आग लग गई है, भीतर ही जल के मरने का है, तो बेशक मत खोलो दरवाजा। तत्काल दरवाजा खुला। एक सांवली सी लड़की ने चौखट और पल्ले के बीच में से बाहर झांका। वागले ने अपने मजबूत कंधे का एक जोरदार धक्का दरवाजे को दिया। पल्ला लड़की के हाथ से छूट गया। वो लड़खड़ाकर पीछे को हटी तो विमल और वागले भीतर दाखिल हो गए। विमल ने हाथ में थमे रिवॉल्वर लड़की की ओर तान दी। लड़की के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसका शरीर पत्ते की तरह कांपा। इरफान ने ड्रम उठाकर उल्टा कर दिया। यूं भीतर की आग ड्रम के भीतर ही दफन हो गई। फिर वो भी चौखट लांग कर भीतर दाखिल हो गया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद करके उसकी चिटकनी चढ़ा दी। विमल ने देखा लड़की एक झीनी सी नाइटी पहने थी और वो भी उसने आग की दुहाई सुनने के बाद ही पहनी मालूम होती थी। पर एक पलंग था जिस पर से एक युवक उठकर अपनी पतलून की बेल्ट बांधने की कोशिश कर रहा था। कमर से ऊपर उसका जिस्म एकदम नंगा था। विमल के हाथ में रिवॉल्वर उसे दिखाई दे गई थी और वो भी थरथर कांप रहा था। इधर आ, विमल निगाहों से उसकी तरफ शोले बरसाता हुआ बोला। युवक झिझकता हुआ करीब पहुंचा। तेरा नाम झेंडे है? विमल बोला। मधुकर झेंडे। युवक ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। ये कौन है? विमल ने लड़की की तरफ इशारा किया। कोई नहीं। तेरी क्या लगती है? कुछ नहीं। फिर यहां क्या कर रहा है? युवक ने जवाब नहीं दिया। बीवी से क्या शिकायत हुई? बीवी? काशीबाई, जिससे शादी किए तुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ओह, इस बार युवक के स्वर में दिलेरी आ गई। तो तुम काशीबाई के सगे वाले हो? हाँ, और तेरे भी। मैं समझ गया। सालो, काशीबाई की खैरियत चाहते हो तो ठंडे ठंडे यहां से चले जाओ।
चाहते तो हैं काशीबाई की खैरियत, और अभी तो आए हैं, तेरा हाल चाल जान ले, फिर चले भी जाएंगे। देखो जो कोई भी तुम लोग हो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। वरना क्या? वरना, वो दांत पीसता हुआ बोला, मैं जाके काशीबाई से पूछूंगा कि अब तक उसने इतने यार कहाँ छुपाए हुए थे। तू ऐसा अपनी बीवी से कहेगा? हाँ, मैं घर जाके उससे पूछूंगा कि हम इसे क्यों नहीं पूछता, यहीं इसी वक्त। देखो तुम लोग, क्या नाम है तेरा? विमल उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो लड़की से मुखातिब था। जमुना, लड़की बोली। उधर कोने में जाके बैठ जा और इधर से मुंह फेर ले। लड़की ने जरा भी हुज्जत नहीं की, उसने तत्काल आज्ञा का पालन किया। फिर विमल के इशारे पर इरफान ने झंडे के दोनों हाथ मरोड़कर उसके पीठ पीछे किए और वागले ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर ऊपर से पट्टी बांध दी। उसके बाद बड़े व्यवस्थित तरीके से दोनों ने झंडे की धुनाई शुरू कर दी। युवक के शरीर के हर अंग पर लात घूंसों थप्पड़ों की बरसात सी होने लगी। वो अपने हाथों को अपने मुंह पर बंधी पट्टी की ओर बढ़ाता था तो उन्हें बड़ी बहरेमी से नोच कर परे कर दिया जाता था। अपने शरीर के जिस अंग को वो अपने हाथों की ओर से बचाने की कोशिश करता था उसी की सबसे ज्यादा धुनाई होती थी। 10 मिनट वही सिलसिला निहायत मशीनी अंदाज में चलता रहा। अंत में जब वागले और इरफान ने अपने हाथ रोके तो झेंडे का सारा शरीर लहूलुहान था, दोनों आंखें सूझकर बंद हो गई थी और उसके होंठ फैलकर सुअर की थूंत की तरह लगने लगे थे, लेकिन धुनाई इतनी सावधानी से की गई थी कि जिस्म की कोई हड्डी नहीं टूटी थी और कोई भी जख्म इतना गहरा नहीं था कि उसके सीने की जरूरत होती। इरफान ने पट्टी खोल दी और मुंह से कपड़ा निकाल दिया। उठकर खड़ा हो, विमल कर्कश स्वर में बोला। झेंडे ने कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। विमल ने उसको जबरन सीधा किया और एक कुर्सी पर धकेल दिया। उसने उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊंचा किया और बोला, मेरी तरफ देख। बड़ी कठिनाई से झेंडे आदेश का पालन कर सका। तू जिंदा है, विमल बोला। मौजूदा हालात में अपने आप को खुशकिस्मत नहीं मानता कि तू जिंदा है, झेंडे ने बड़ी कठिनाई से हामी भरी। क्यों जिंदा है, कैसे बच गया? झेंडे ने उत्तर ना दिया। तू इसलिए जिंदा है क्योंकि तू काशीबाई का पति है, आगे भी जिंदा रहना चाहता है? हाँ। ऐसा कैसे होगा जानता है? हाँ। नहीं जानता, शायद फिर बताने आना पड़ेगा, शायद एक सबक से सीखने वाला तू नहीं। जानता हूं। रुपए का क्या किया, उड़ा दिया? नहीं, जमुनाबाई वॉलंटियर है, इसने मुझे, तत्काल युवती व्याकुल भाव से बोली, 5,000 रुपए दिए हैं, मैं अभी लौटाती हूँ। वो लपक कर एक अलमारी के करीब पहुंची, वहां से उसने नोटों का एक पुलिंदा निकाला और झेंडे की कुर्सी के करीब पड़े स्टूल पर रख दिया। 300 कम है, वो कंपित स्वर में बोली, खर्च हो गए, लेकिन मैं। कोई वांदा नहीं, विमल बोला, ये लगता खस्ता हाल है लेकिन बड़ी हद एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 8वें दिन ये फिर यहाँ होगा। नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, युवती दृढ़ स्वर में बोली, मैं नहीं जानती ये कौन है। सुना, विमल युवक से बोला, ये नहीं जानती तू कौन है, लेकिन काशीबाई जानती है तू कौन है, जब तक जिंदा रहेगी जानती रहेगी कि तू कौन है। तू कितने दिन याद रख पाएगा सब कुछ? हमेशा, हमेशा के लिए। हम याद दिलाने फिर आए? नहीं। शाबाश, तीनों वहां से विदा हो गए। फ्रेडो दौड़ता हुआ शेख मुनीर के पिज्जा पार्लर से बाहर निकला। बाबू कामले ने उसके चेहरे पर ऐसी बदहवासी देखी कि वो घबराकर कार से बाहर निकल आया। क्या हुआ, वो हड़बड़ाया सा बोला। वो भीतर नहीं है, फ्रेडो बोला। कौन भीतर नहीं है? डिब्बा। वागले। क्या बकता है, सिग्नल तो अभी भी मिल रहा है। लेकिन वो भीतर नहीं है। कोई टॉयलेट वॉयलेट में? वो भीतर कहीं नहीं है। किधर चला गया? वो इधर आया ही नहीं। क्या बकता है? मैं पूछा डिब्बे से, वो यही बोला। चलो। अपने चारों प्यादों के साथ बाबू कामले पिज्जा पार्लर में दाखिल हुआ। उसने बिना किसी तकल्लुफ के डिब्बे को दबोच लिया और उसे पिछवाड़े में इमारत के रिहायशी हिस्से में ले आया। इमारत की फिर तलाशी ली गई, वागले कहीं नहीं था। शक्तिशाली सिग्नल अभी भी वायरलेस रिसीवर रिसीव कर रहा था। उसके लिए वहां की तलाशी ली गई तो एक संदूक में से ट्रांसमीटर वाली वो रिवॉल्वर बरामद हुई जो कि वागले के पास होनी चाहिए थी। कहां से आई, बाबू कामले दहाड़ कर बोला। एक सेकंड में बोल। खरीदी, डिब्बा भयभीत भाव से बोला। वो जानता था कि जो लोग उसे घेरे हुए थे वे कंपनी के आदमी थे। खरीदी? कब, किससे? कल रात एक मवाली से। कौन मवाली? उसका नाम भंवरलाल है। कहां पाया जाता है? चेंबूर में।
उसने बोला, ये रिवॉल्वर उसके पास किधर से आई? मैंने पूछा नहीं। बाप, चोर के पास चोरी का माल चोरी से ही आता है। बकमत। फिर पांचों बगुले की तरह चेंबूर की तरफ दौड़ चले। पीछे डिब्बा दुहाई देता रहा कि उसने उस रिवॉल्वर के लिए 4,000 रुपए अदा किए थे। कॉलवेल के जवाब में मलाड वाले फ्लैट का दरवाजा वैभवी ने खोला। वागले और इरफान अली के साथ विमल ने भीतर कदम रखा तो उसने ड्राइंग रूम में एक अपरिचित व्यक्ति को बैठा पाया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से वैभवी की तरफ देखा। बोटमैन, वैभवी धीरे से बोली, पट्टी छोड़ के गया है। गया कहाँ? विमल ने पूछा। कहीं काम से गया है, लौट के आएगा। वो उस आदमी के करीब पहुंचा। वो आदमी दांत निकालकर हंसा। विमल ने गौर से उसका मुआयना किया। वो लगभग 50 साल का सिर से गंजा, दाढ़ी मूछ विहीन, पीली चमड़ी वाला व्यक्ति था। क्या नाम है? विमल ने पूछा। ढोलकिया, वो आदमी पूर्ववत दांत निकालता हुआ बोला। गुजराती है? हाँ। हंस क्यों रहा है? हंसने वाली कौन सी बात हो रही है यहाँ? तत्काल उसकी हंसी को ब्रेक लगी। तो तू बोटमैन है? पक्का। बस यूं समझ लो कि पैदा ही नाव में हुआ। मोटर बोट चला लेता है? हर तरह की बोट चला लेता हूँ। बोट चलाना मेरे लिए सांस लेने जैसा काम है। जेल कैसे पहुंच गया था? क्या? ढोलकिया हड़बड़ाया। छूटा कब? आज ही या एक आध दिन हो गया? ढोलकिया के चेहरे ने कई रंग बदले। विमल अपलक उसे घूरता रहा। कैसे जाना? फिर वो धीरे से बोला, तेरी पीली चमड़ी से जाना। मल्लाहों की चमड़ी धूप से झुलसी हुई होती है। खोपड़ी अगर गंजी हो तो वो तो काली ही हो जाती है। तेरी खोपड़ी तो मेंढक के पेट जैसी लग रही है और चमड़ी भी यूं है जैसे धूप या समुद्री हवा से कभी वास्ता ही ना पड़ा हो। कोई मल्लाह तो समुद्री हवा और धूप से महरूम जेल में ही हो सकता है। ओह, क्या किया था? क्या किया था? उसने दोहराया। जिसकी वजह से जेल हुई। ऊंचा सुनता है? नहीं। वो एक क्षण ठिटका और फिर बोला, यूं ही कुछ कर बैठा था। यूं ही और सिर्फ कुछ कर बैठने से जेल नहीं होती। बाप, जो काम मैंने करना है उसका इस बात से क्या वास्ता कि मुझे जेल क्यों हुई? वास्ता हो सकता है। क्या वास्ता हो सकता है? बताएगा तो पता लगेगा ना। लेकिन अबे वागले भन्नाया, तेरा काम जवाब देना है, सवाल करना नहीं। ढोलकिया ने बेचैनी से पहलू बदला। उसने बड़े नर्वस भाव से अपने होठों पर जुबान फेरी और फिर बोला, छोकरी का मामला था। क्या मामला था छोकरी का? विमल बोला, एक ही बार में बता, किस्तों में ना बोल। वो नाबालिग थी। कितने साल की थी? बताया ना, छोटी थी। कितनी छोटी थी? 11 साल की थी। विमल के चेहरे पर अरुचि के तीव्र भाव आए। कितनी सजा हुई? उसने पूछा। 7 साल। काटी कितनी? 4। ताजा ही छूटा है ना? हाँ, आज ही। और आज ही हमारे पल्ले पड़ गया। वो क्या है कि अभी तो थाने हाजिरी भी देनी पड़ती होगी। वो तो है, लेकिन मैं मल्ला बहुत कांटे का हूं। जरूर होगा, बाकी काम भी कांटे के ही करता है। 11 साल की अबोध बच्ची से मुंह काला करता है। वो तो कहते हैं कि कोई बीमारी होती है। मुझे जेल का डॉक्टर कहता था कि अब मैं ठीक हो गया हूं। एक मिनट बाहर जाकर खड़ा हो, मैं तेरे से अभी बात करता हूं। लेकिन अरे, मुझे अपने साथियों से सलाह करने देगा या नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाहर खड़ा होता हूं। वो यूं उठा जैसे वहां से हिलना ना चाहता हो और फिर भारी कदमों से चलता हुआ फ्लैट से बाहर निकल गया। उसके पीछे वागले ने दरवाजा बंद किया ही था कि कॉल बेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो भट्टी भीतर दाखिल हुआ। वागले ने उसके पीछे फिर दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? भट्टी अचरज भरे स्वर में बोला। ढोलकिया बाहर क्यों खड़ा है? बड़ा अच्छा बोटमैन ढूंढ के दिया हमें, विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। अच्छा तो है ही, मैंने कई लोगों से पूछा, सबसे तस्दीक की, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि वो जेल बर्ड है, सजा याफ्ता मुजरिम है। तो क्या हुआ? आजाद तो है, उसके बोट चलाने में तो कोई वादा नहीं। यानी कि तुम्हें खबर है कि जेल बर्ड है? है तो सही, किसी जरायम पेशा आदमी की कोई जेल यात्रा क्या बड़ी बात है? वो आज ही छूटा है पेरोल पर, पुलिस को हाजिरी देनी पड़ती होगी उसे। ओह, ये नहीं मालूम था मुझे। ऐसा हर वक्त पुलिस की निगाहों में रहने वाला आदमी हम सबको मरवा सकता है। अब बिगड़ क्या गया है? वो आदमी हमारे मतलब का नहीं निकला, हम उसे चलता कर देते हैं। वो कुछ जानता थोड़े ही है। क्यों नहीं जानता कुछ? मेरा मतलब है, अगर तुमने नहीं बताया तो। हमने कुछ नहीं बताया,
लेकिन वो बिना किसी के कुछ बताए भी समझता होगा कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए एक मोटरबोट की जरूरत पड़ने वाली है। इतने से ही वो नहीं समझ सकता कि हमारा निशाना सेवन नेक पॉइंट का कैसीनो है। तुम गारंटी करते हो कि तुमने जाने या अनजाने में उसे और कुछ नहीं बताया? मैं गारंटी करता हूँ। बाप, मैं क्या तुम लोगों से बाहर हूँ? तुम्हारा नफा नुकसान क्या हमारा नफा नुकसान नहीं? फिर ठीक है, फिर तुम ही जाके उसे चलता करके आओ। अभी लो। भट्टी फ्लैट से बाहर चला गया। अगर, वागले बोला, मुबारक अली से बोटमैन का काम कराया जाए। मुबारक अली, विमल बोला, बोटमैन? एक्स्ट्रा सप्लायर का एजेंट बनने और स्मगलिंग में पड़ने से पहले वो एक घड़ियों के स्मगलर के लिए मल्लाहगिरी ही करता था। ऐसा है तो सारा काम ही बन जाए उसके मिलने से। लेकिन वो मिले तो सही। मिलने में क्या वांदा है? मिलने में क्या वांदा है? लो पूछता है, मिलने में क्या वांदा है? अरे, मैंने जब से बंबई में वापस कदम रखा है मैं उसकी तलाश में हूँ। पूछो इरफान अली से। वागले ने इरफान की तरफ देखा। मैंने बहुत जगह उसे तलाश किया है, इरफान बोला। बहुत जगह उसके लिए संदेशा छोड़ा है लेकिन वो मिल नहीं रहा। पता नहीं कहाँ है। मुझे पता है वो कहाँ है, वागले बोला। कल नहीं तो परसों वो हमारे सामने होगा। हमारे यहाँ इसे कहते हैं कुच्छड़ कुड़ी ने शहर ढिंडोरा। तभी भट्टी वापस लौटा। मैंने उसे चलता कर दिया है, वो बोला। चार पैसे भी दे दिए हैं, वो कोई पंगा नहीं करेगा। विमल के चेहरे पर आश्वासन के भाव ना आए। अरे बिल्कुल ही तसल्ली चाहिए तो, भट्टी तनिक झल्लाए स्वर में बोला। खल्लास करवा दो उसे। मैं कोई लफड़ा नहीं मांगता। नहीं होगा कोई लफड़ा। उस मच्छर की क्या औकात है जो ख्याल भी कर सके कोई लफड़ा करने का। फिर भी, बाप मेरी गारंटी। ठीक है फिर। अब इन दोनों के, भट्टी ने वागले और इरफान की ओर संकेत किया, यहाँ रहने की बाबत सुनो। बोलो। बाप, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका कोई गलत मतलब ना लगाना। अब कुछ कहो भी तो। वे दोनों तुकाराम के आदमी हैं और तुकाराम को मैंने मालूम किया है कंपनी ने उसके चैम्बूर वाले मकान में नजरबंद करके रखा हुआ है। तो क्या हुआ? बाप, ऐसे आदमियों की हमारे ठीए पर होने की खबर कंपनी को लग गई तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। और मैं पहले ही बोला कि ये हमारा बहुत सेफ ठिया है, कालिया को इसका नुकसान मंजूर नहीं होगा। तो ये कि इनके यहाँ रहने की जिद तुम छोड़ो तो मैं इनका कहीं और इंतजाम कर सकता हूँ। और कहाँ? खार में हमारा फ्लैट है, मुद्दत से बंद पड़ा है, इनके लिए खुल जाएगा। सेफ है? खुद चल के देख लो। ठीक है। वहीं इरफान अली का हुलिया सुधारने का भी इंतजाम है, वैभवी को भी साथ ले चलते हैं। फिर वहां इसे शहजादा गुलफाम बनाकर वहीं से वैभवी के साथ तफरीह के लिए रवाना कर देंगे। विमल ने इरफान पर निगाह डाली तो पाया कि उसका चेहरा एकाएक 1000 वॉट के बल्ब की तरह दमकने लगा था। बढ़िया, वो बोला। उल्हास सितोले ने जैकपॉट में चारों ओर निगाह डाली। उस वक्त रात के 9 बजे थे और अभी स्टेज पर एक कैबरे डांसर की परफॉर्मेंस होकर हटी थी। उस घड़ी हॉल लगभग आधा खाली था, जो कि सितोले के लिए हैरानी की नहीं फिक्र की बात थी। ग्राहकों की उस पतली हाजिरी की वजह क्या चांदनी की गैर हाजिरी थी? अगर ऐसा था तो करिश्मा था। केवल एक दिन चांदनी स्टेज पर अवतरित नहीं हुई थी और अब हालत ये थी कि हॉल आधा खाली पड़ा था और 2 घंटे बाद वो वक्त हो जाने वाला था जबकि वहां बेतहाशा भीड़ जमा होने से बचाने के लिए वहां के दरवाजे को ताला लगाकर बंद करना पड़ता था। लेकिन साफ लग रहा था कि आज वैसी नौबत नहीं आने वाली थी। चांदनी की मौत की खबर अखबार में छप चुकी थी, इसलिए कहना भी मुमकिन नहीं था कि जैकपॉट की स्टार कैबरे डांसर सिर्फ वक्ती तौर पर वहां से गैर हाजिर थी। वहां की भरी हुई मेजों पर से फिसलती उसकी निगाह फिर एक कोने की उस मेज पर टिकी जहां की एक खूबसूरत जोड़ा मौजूद था। उस मेज के इर्द गिर्द मंडराते सितोले ने उस जोड़े का वार्तालाप सुना था और इसी नतीजे पर पहुंचा था कि वो दोनों पति पत्नी थे और जब से वहां आए थे रह रहकर झगड़ रहे थे। उनके अत्याधुनिक होने का सबूत उनकी उम्दा पोशाकें ही नहीं, ये हकीकत भी थी कि वे उस घड़ी ऐसे कैबरे जॉइंट में मौजूद थे जहां पूर्णतया नंगा नाच होता था। ऊपर से दोनों ही निसंकोच ड्रिंक कर रहे थे। युवक का विस्की का 5वां पैग उसके सामने था जबकि युवती का उसी विस्की का पैग 3रा था। सितोले नहीं जानता था कि युवती वैभवी थी और युवक इरफान अली था जिसने जिंदगी में पहली बार सूट पहना था और जो अपनी मौजूदा सजधज में निहायत खूबसूरत लग रहा था। सितोले ये भी नहीं जानता था कि विस्की सिर्फ इरफान पी रहा था, वैभवी पीती होने का केवल दिखावा कर रही थी। सितोले युवती को देखते ही उस पर मर मिटा था और अब उस पर हाथ रखने की कोई तरकीब सोच रहा था।
सिगरेट के कस लगाता और लापरवाही से टहलता वो उस जोड़े की मेज के करीब सरक आया। मिस्टर सुशील सोनी, युवती तमतमाए स्वर में कह रही थी, लानत है तुम पर। अनीता, युवक कह रहा था, ये कोई तरीका है अपने हस्बैंड से बात करने का? लानत है तुम्हारे हस्बैंड होने पर। अनीता, समझने की कोशिश करो, मेरी मजबूरी है। लानत है तुम्हारी मजबूरी पर, तुम्हें नशा हो गया है। तो क्या हुआ, मैं अभी और पीऊंगी। हरगिज नहीं। अच्छा, क्यों हरगिज नहीं? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, तुम अपनी मनमानी कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकती। मैं कौन सी मनमानी करता हूं? मेरे से पूछ रहे हो? ये जो हर दूसरे तीसरे हफ्ते गुलछर्रे उड़ाने कभी गोवा, कभी अहमदाबाद, कभी बैंगलोर चल देते हो, वो क्या? गुलछर्रे उड़ाने नहीं, धंधा करने, बिजनेस के लिए। तुम जानती हो कि लानत है तुम्हारे बिजनेस पर। सच में लानत हो गई बिजनेस पर तो हम दोनों हाथ में कटोरा लेके गली गली भीख मांगते दिखाई देंगे। लानत, ठीक है। युवक एक झटके से उठ खड़ा हुआ। लानत है तो लानत ही सही। युवक लंबे डग भरता हुआ वहां से विदा हो गया। सितौले ने यही सोचा कि टॉयलेट जा रहा होगा, लेकिन जब युवक इमारत से बाहर निकल गया तो उसे हैरानी हुई। उसे और भी हैरानी हुई जबकि वो 15 मिनट तक लौट कर नहीं आया। युवती बड़े व्याकुल भाव से रह रहकर कभी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को तो कभी दरवाजे को देख रही थी। फिर एकाएक वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। सितौले ने जल्दी से उनके वेटर को बुलाया। बिल दे गई? बाहर जाती वैभवी की ओर इशारा करके उसने पूछा। नहीं साहब, वेटर बोला। उसके पीछे जा, कहीं वो खिसक ना रही हो। वेटर सहमति में सिर हिलाता वैभवी के पीछे हो लिया, लेकिन वैभवी खिसक नहीं रही थी। 2 मिनट बाद वो अपने टेबल पर वापस लौट आई। सितौले ने नोट किया कि युवती एकाएक बहुत बदहवास लगने लगी थी। उसी घड़ी शुरू हुई कैबरे की नई परफॉर्मेंस में अब वो रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। फिर युवती ने वेटर को इशारा किया। वेटर कुछ क्षण बड़े अदब से युवती के सामने ठिठका खड़ा रहा, फिर लंबे डग भरता हुआ सितौले के करीब पहुंचा। आपको बुला रही है, वो बोला। मुझे? सितौले सक पकाया। किसी जिम्मेदार आदमी को, मैनेजर को या मालिक को? ओह, सितौले ने हाथ के इशारे से वेटर को रुखसत किया और चेहरे पर गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लिए युवती के करीब पहुंचा। मुझे उल्लास सितौले कहते हैं, वो तनिक सिर नवाकर सहज से लिपटे स्वर में बोला। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मिस्टर सितौले, वैभवी संजीदगी से बोली, 1 मिनट बैठिए जरा, प्लीज। सितौले युवक द्वारा खाली की गई कुर्सी पर बैठ गया। फरमाइए, वो बोला। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, वो बोली। क्या? मेरा हस्बैंड मेरे साथ था, वो मुझे छोड़कर चला गया है। मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है। सितौले ने मेज पर निगाह डाली। वहां एक प्लेट में बिल पड़ा था जो कि 560 रुपए का था। बिल तो मामूली है, वो बोला। मेरे पास एक काला पैसा नहीं है, वैभवी रुआं से स्वर में बोली। अपना पर्स मैं कार में छोड़ आई थी और कार मेरा हस्बैंड ले गया। तो क्या हुआ, लौट आएगा? नहीं आएगा। क्या, आपको लेने नहीं आएगा? नहीं, उसे बैंगलोर का प्लेन पकड़ना है। यहाँ से हम दोनों ने एयरपोर्ट जाना था, जहाँ उसे छोड़कर कार मैंने वापस ले जानी थी। अब कार एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़कर वो प्लेन पर चढ़ गया होगा। कार की चाबी साथ लेके? जाहिर है। कमाल है, ये तो बड़ी ज्यादती की आपके हस्बैंड ने आपके साथ। वो गुस्से में था, फिर भी उसे सूझा ही नहीं होगा कि मेरा पर्स मेरे पास नहीं था। ओह, अब मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे एक टैक्सी बुला दीजिए और अपना कोई वेटर मेरे साथ भेज दीजिए। मैं घर पहुंचकर उसे बिल की रकम और टैक्सी का आने जाने का भाड़ा अदा कर दूंगी। आप थोड़ी देर और इंतजार क्यों नहीं कर लेती? हैव अ ड्रिंक ऑन दी हाउस, तब तक शायद आपके हस्बैंड लौट आए। वो नहीं लौटेगा, उसके लिए वो फ्लाइट पकड़ना जरूरी है। फ्लाइट लेट भी हो जाती है। और भी वजह है मेरे यहाँ और न रुक पाने की। और क्या वजह है? मैं अपना बेबी आया के पास छोड़कर आई हूँ। बेबी? सितौले उसके पृष्ट वृक्ष और धनुष की तरह तने हुए जिस्म पर निगाह डालता हुआ हैरानी से बोला। आपका? हाँ, 1 साल का है। कमाल है, आप तो शादीशुदा भी नहीं लगती। 9:30 बजे मैंने आया को फारिग करना है, सितौले की बात की ओर ध्यान दिए बिना वो घड़ी देखती हुई बोली, और 9:15 बज भी गए हैं। रहती कहाँ हैं आप? वर्ली। वर्ली? हाँ, फिर तो समझिए आपका अनोखा इत्तेफाक हो गया। जी, मैं अभी वहीं जा रहा था, रवाना होने लगा था कि वेटर बुलाने आ गया था। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ फरमाएंगे? अरे, तकलीफ कैसी, जब मैंने जाना ही वहीं है। लेकिन? और फिर सितौले मुस्कुराया,
बिल की इतनी बड़ी रकम का एतबार मैं अपने किसी आदमी पर कैसे कर सकता हूँ? वो रकम लेके भाग गया तो? आप मजाक कर रहे हैं, आप मजाक पसंद नहीं करती। वो बात नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप बाहर आइए। लेकिन अब छोड़िए भी तकल्लुफ, सितौले उठ खड़ा हुआ। युवती के नहायत रंगीन सपने देखते हुए सितौले ने पार्किंग से अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी निकाली और 2 मिनट बाद युवती उसके पहलू में बैठी हुई थी और गाड़ी सड़क पर दौड़ी जा रही थी। सितौले ने एक हसरत भरी निगाह उसके पृष्ठ छरेरे जिस्म पर डाली। कैसी कसी हुई थी साली, लंबी सुराहीदार गर्दन, भरी भरी छातियां, लेकिन कमर पतली, भारी कुल्हे, उभरी हुई जांघे, एक एक नट बोल्ट ऐसी नफासत से कसा हुआ था कि यही कल्पना करना मुहाल था कि किसी ने राइड भी मारी होगी। ऊपर से वो तो एक बच्चा भी बता रही थी। आपने नाहक तकलीफ की, वो बोली। अब तो हो गई तकलीफ, नाम नहीं बताया तुमने अपना। अनीता, अनीता सोनी। सोनी साहब करते क्या हैं? भाड़ झोंकते हैं, बीवी को सताते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? कपड़े का व्यापार करते हैं, बहाना बिजनेस का होता है, लेकिन मर्जी मौज मेले की होती है। आप टिट फॉर टैट क्यों नहीं करती? जी, मेरा मतलब है जैसे को तैसा। आपका पति आपको सताता है तो आप भी उसे सता सकती हैं। कैसे? वैसे ही जैसे वो आपको सताता है। मैं समझी नहीं, वो क्या करता है? वो तो नौजवान छोकरियों के साथ ऐश करता है। आपको कमी है नौजवान छोकरों की? वैभवी ने घूमकर उसकी तरफ देखा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सितौले तनिक हड़बड़ाकर बोला। मैं तो ना नौजवान हूं ना छोकरा हूं, ये आपकी खामी नहीं खूबी है। जी? वैभवी ने अर्धनिर्मलित नेत्रों से यूं उसकी तरफ देखा कि सितौले निहाल हो गया। छोकरे ना तजुर्बेकार होते हैं, उतावले होते हैं, ना शुक्रे होते हैं। जीती रह पट्टी, सितौले मन ही मन बोला। अब आ गई ना लाइन पर। फिर उसने अपना बायां हाथ स्टेयरिंग से हटाया और उसे वैभवी की सिल्क की साड़ी से ढकी जांघ पर रख दिया। कर दी ना छोकरों वाली बात, वो इटलाकर बोली। उसने जबरन उसका हाथ अपनी जांघ पर रख दिया। सितौले बड़े दर्शनीय अंदाज से हंसा। कुछ क्षण खामोशी रही। हमारी सोसाइटी में, फिर सितौले एकाएक बोला, बीवियां अपने खाविंदों का लिहाज करती है, इसलिए वो गरजती बरजती तो खूब है, लेकिन मौका आने पर घर वाले से बदला लेने से, उसको उसकी करतूत की सजा देने से कतरा जाती है। इसी बात से मर्द लोग शेर हो जाते हैं। वैभवी ने बड़े अनिश्चित भाव से सहमति में गर्दन हिलाई। दूसरे, बीवियां ये भूल जाती हैं कि रूप और जवानी वो दौलत है जो जितनी लुटाओ उतनी बढ़ती है। क्या बात है मिस्टर सितौले, लाइन मार रहे हो? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मिस्टर सोनी जैसे मर्द के लिए मिसेस सोनी जैसी बीवियों का क्या रवैया होना चाहिए। अपना क्या है, हम तो रमते साधु हैं। अपनी तो यही गुहार है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वैभवी हंसी और सितौले ने सच में ही साधु जैसी पुकार लगाई। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी, न घटियो नीर। वैभवी फिर हंसी। अब बोलो, सितौले का हाथ फिर उसकी जांघ पर पड़ा, चिड़ी को चोंच भरने का मौका मिलेगा या नहीं? हरगिज नहीं। तुम तो मुझे मायूस कर रही हो। मिस्टर सितौले, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ज्यादती की, वो मुझे छोड़ के भाग गया, मैं उससे बहुत खफा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। वैभवी ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। सितौले नाउम्मीद ना हुआ, इसलिए ना हुआ क्योंकि ऐसा नाउम्मीदी जमाने वाला जवाब देने वाली औरत ने उस बार अभी तक उसका हाथ अपनी जांघ पर से नहीं हटाया था। आपकी मदद के लिए, वो बोली, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन शुक्रिया ही हासिल होगा आपको मेरे से। यानी कि घर पहुंचते ही दरवाजे से ही टरका दोगी, भाड़े के टैक्सी वाले की तरह? नहीं, यूं तो नहीं। बातचीत में तो कोई हर्ज नहीं होता ना? नहीं, बातचीत में तो कोई हर्ज नहीं होता। तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत के साथ बातचीत भी जन्नत का नजारा है, तो अभी कर लो। अब तो वर्ली पहुंच गए। ओह, वैभवी कार से बाहर निगाह डालती हुई बोली, आगे किधर चलूं? अभी सीधे, जब क्रॉसिंग आए तो बाएं। ठीक है मिस्टर सितौले, वो संजीदगी से बोली, इतनी रात गए आपको किसी ने मेरे घर में आते देख लिया तो पड़ोसी बातें बनाएंगे, तो कोई ऐसी तरकीब सोचो कि मुझे पड़ोसी ना देखे। ऐसा कैसे हो सकता है? होने को क्या नहीं हो सकता, मर्जी होनी चाहिए। कैसे हो सकता है? तुम्हारे यहाँ गैराज है? हाँ है। उसके भीतर से इमारत में रास्ता है? वो भी है। फिर क्या मुश्किल है? गाड़ी तुम संभाल लो, मैं पीछे चला जाता हूँ। गाड़ी को सीधे गैराज में ले जाके खड़ी करना,
किसी को कुछ भी खबर नहीं लगेगी। वैभवी खामोश रही। ओके, सितौले हौले से उसकी जांग दबाता हुआ बोला। वैभवी ने कुछ क्षण हिचकिचाने का अभिनय करते हुए सहमति में सिर हिला दिया। सितौले ने कार रोकी, अपनी ओर का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आया। वैभवी उसके स्थान पर स्टीयरिंग व्हील के पीछे पहुंच गई, खुद सितौले कार में पीछे सवार हो गया। वैभवी ने कार आगे बढ़ाई। कुछ क्षण बाद उसने कार को एक मंजिली कोठी के सामने ले जाकर रोका। कोठी में केवल पोर्च में मध्यम सी रोशनी थी। भीतर कहीं रोशनी थी तो खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े होने की वजह से बाहर सड़क पर उसका आभास नहीं मिल सका था। वैभवी ने कार से निकलकर पहले कोठी का फाटक खोला और फिर उसके सामने ही मौजूद गैराज का दरवाजा खोला। फिर वो वापस कार में सवार हुई और फिर उसने कार को गैराज में ले जाके खड़ा किया। सितौले ने पीछे से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। उसके दोनों हाथ उसके उन्नत वृक्ष पर पड़े। वैभवी कुछ क्षण स्तब्ध बैठी रही। फिर वो सितौले की गिरफ्त से निकलती हुई धीरे से बोली, मैं जाके आया को चलता करती हूँ, तुम 5 मिनट यहीं रहना, कार में ही, 5 मिनट बाद भीतर आ जाना, घड़ी देख लो। सितौले ने कार के डैशबोर्ड में लगी घड़ी पर निगाह डाली और सहमति में सिर हिलाया। वैभवी कार से निकली और गैरेज की पिछली दीवार में मौजूद एक दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हो गई। अभिसार के सपने देखते सितौले को इस बात की ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी कि बाहर ला फाटक, गैरेज का दरवाजा और भीतरी दरवाजा सब खुले पड़े मिले थे। एक एक सेकंड को टिक करता हुआ वो 5 मिनट होने की प्रतीक्षा करता रहा। 5 मिनट पूरे हुए तो वो कार से निकलकर उस दरवाजे में दाखिल हुआ जिससे वो भीतर की कोठी में गई थी। उसने स्वयं को एक प्रकाशित किचन में पाया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ा। उसने किचन का परला दरवाजा खोला तो स्वयं को डाइनिंग रूम की तरह सुसज्जित एक कमरे में पाया। कमरे में अभी उसने एक ही कदम रखा था कि एकाएक जैसे उसे लकवा मार गया। वहां युवती का पति मौजूद था। वो शख्स मौजूद था जो प्लेन में अब तक बैंगलोर पहुंच चुका होना चाहिए था। उसके हाथ में एक साइलेंसर लगी रिवॉल्वर थी जिसका रुख सितौले के पेट की तरफ था। मैंने, वो आतंकित भाव से बोला, मैंने क्या किया है? तुझे मालूम है, इरफान मुस्कुराता हुआ बोला। मेरा मतलब है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर तो घाटे में रहा। क्या? क्योंकि अब कर भी नहीं सकेगा। सुनो, मैं तो यहां। खामोश रिवॉल्वर ने 3 बार आग उगली। चोंच भरने की ख्वाहिशमंद चिड़ी के प्राण पखेरु उड़ गए। तो दोस्तों, ये था पाप की नगरी नॉवल का 11वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।